हेलो पीपल, हाउ आर यू डूइंग टुडे। आज बनाते हैं चाय के साथ खाने वाला कुर्रुम कुर्रुम बॉम्बे चिवड़ा। ये चिवड़ा बहुत ही घरों में बनाया भी जाता है और बाहर से खरीद के भी लाया जाता है। सो घर में बनी हुई चीज़ की तो गारंटी होती है 100%। सो ये वाली रेसिपी प्लीज़ मेरी ट्राई करके देखिए। झटपट सिर्फ इंग्रेडिएंट्स रेडी हैं, इसमें कम इंग्रेडिएंट्स में भी बन सकते हैं। सो शुरू करते हैं हमारे पोहे के साथ। सो पोहा मैंने एक छन्नी में लिया है, उसे छान लेंगे। धोने की ज़रूरत नहीं है पोहे को, आप अच्छे ब्रांड के कंपनी का लेंगे तो ऑलरेडी साफ़ ही रहता है, वरना आप इसे कपड़े की मदद से हल्का हल्का पोंछ लीजिए, रब कर दीजिए एक दूसरे के साथ, ठीक है। उसको मैंने छान लिया, उसमें बारीक बारीक जो भी पोहा होगा वो निकल जाएगा, वो हमें नहीं चाहिए। सेंग ले लिया मैंने कच्चे वाले, सौंफ को मैंने बारीक पीस लिया है, ये थोड़ी मीठी वाली बारीक सौंफ को मैंने बारीक पीस लिया था, और मैंने अराउंड 2 टेबल स्पून सौंफ का पाउडर यूज़ किया है। आपको अगर सौंफ नहीं पसंद है तो आप प्लीज़ ओमिट कर दीजिए। जब तक आप मेरी ये लिस्ट देख लीजिए, ठीक है, ये इंग्रेडिएंट्स मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस चीज़ का। ये सामग्रियों में से कुछ सामग्री आप नहीं भी लेंगे तो चलेगा, ठीक है। सो सौंफ हो गया, चाट मसाला, ज़ीरा पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक। ड्राई फ्रूट्स आपकी चॉइस हैं, आप सिर्फ किशमिश भी डालेंगे तो बहुत अच्छा है, रोस्टेड चना भी होता है वो भी फ्राई करके डालेंगे तो अच्छा है। ये मेरे पास सूखा नारियल की आधी वाटी जो होती है, आधा बोल कप जो होता है, उसको मैंने स्लाइस कर लिया। ये पाउडर शुगर है, इसमें मैंने थोड़ा सा सिट्रिक एसिड भी ऐड किया है, वो मैं पहले ही डाल दिया, आपको बताना भूल गई, ठीक है। तो सौंफ को भी पाउडर करके रखा हुआ है, और ज़्यादा बारीक भी नहीं करना है, हल्का सा दरदरापन रहेगा तो आपके मुंह में आएगा तो बहुत अच्छा लगेगा, बिलीव मी, ये कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लेवर्स है, बहुत यम लगेगा आपको। सो मैंने हरी मिर्ची और कड़ी पत्ते को भी साइड में रख लिया है। हरी मिर्च आप तीखी भी ले लीजिए, कम तीखी वाली भी ले लीजिए, आपकी चॉइस है, ठीक है। तेल गरम हो गया है, हमको चेक करना है हमारा तेल गरम हुआ है कि नहीं। इतना लेना है, छोटे पतीले में लीजिए, ताकि आपका तेल बड़े पतीले में से अच्छा है कि आपका छोटे में होगा तो हाइट ऊपर आ जाएगी, ठीक है। हाइट ऊपर आना ज़रूरी है क्योंकि हम छन्नी में पोहे को डाल के फ्राई करेंगे। मैंने पूरे पोहे नहीं लिए, आधे पोहे को मैंने रखा है, और आधे ही पोहे को फास्ट आँच पर हल्के हल्के हाथ से आपको इसे चलाना है। आप देखिए इतने बबल्स जो दिख रहे हैं, आपको खुद ही महसूस होने लगेगा कि आपके पोहे जो हैं वो फ्लफ़ी होने लगे हैं, ठीक है। तो क्रिस्पीनेस आपके चम्मच के थ्रू ही आपको एहसास होने लगेगा। सो ज़्यादा आप इस चीज़ में जल्दबाजी ना करें कि इसे निकाल दें, तो वो सॉफ्टनेस रह जाएगी, सॉगी होगा, आपका तेल भी नहीं निकलेगा उसमें से, एंड व्हेन यू ईट इट विल जस्ट बी लाइक पोहा, जो हम कांदा पोहा खाते हैं। सो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिए कि इसे पकने दीजिए थोड़ा सा, बस कलर चेंज नहीं होने देना है हमें, और ये जल्दी कलर चेंज नहीं करेगा। हो सके तो थोड़ी सी मोटी वाली जो पोहा आता है वो लीजिए। सो मेरे हिसाब की कंसिस्टेंसी के हिसाब से मैं इसे अप एंड डाउन अच्छे से स्वर्ल करूँगी, और जब मुझे चम्मच की मदद से ही वो कुरकुरेपन को जब चम्मच टच करता है तो आप समझ जाते हो कि ये हो गया है, ठीक है। अब अच्छे से हमें इसमें से तेल निकालना है। मैं कोई टिश्यू पेपर यूज़ नहीं करने वाली हूँ इसे रखने के लिए, क्योंकि टिश्यू पेपर यूज़ करना वेस्ट है। पूछो क्यों, आप टिश्यू पे डालोगे सारा तेल उस पर ऑब्वियसली जो आएगा, पर आप जब टॉप की चीज़ जो होती है वो सोखना उसको उतना ही है जितना वो सोखता है, लेकिन उसके बाद का क्या, तो वो सॉगीनेस रहता ही रहता है, आपको हाथ में ऑयल आता ही आता है। मेरे स्ट्रिक से करके देखिए, फिर आपके नहीं आएगा। आप अच्छे से छान लिया आपने अच्छे से इसको, बस पेशेंस का काम है। ये सब चीज़ आपको बनाना है, महीना दो महीना आपका बहुत अच्छा जाएगा। मैं कम बना रही हूँ फिलहाल, और आपको बस दिखाना था मुझे। अब मैं 1 किलो का बाद में बनाऊंगी, ठीक है। तो ये जल्दी जल्दी में मैं आपको एक बता रही हूँ रेसिपी, क्योंकि मैंने सोचा कुछ डाला नहीं है मैंने, तो ये रेसिपी बनाती हूँ फटाफट, मतलब फटाफट थी इसलिए बनाया, और इंग्रेडिएंट्स थे और कम होंगे तो चलेगा ना। आप काजू डालिए ना बादाम डालिए, आप सिर्फ किशमिश डाल दीजिए, आप सिर्फ पीनट्स डाल दीजिए, कुछ भी डालिए, ये चिवड़ा बहुत, बस वो मसाले का ट्रिक है इस बार। हो गया, छन गया अच्छे से, लास्ट ड्रॉप तक देख लिया, फिर इसको हम वापस से एक चौड़ी छन्नी में डाल देंगे। उसके नीचे आपको मैं प्लेट रख के बताऊंगी कि देखिए इसमें से तेल ज़रा भी ड्रिप नहीं हुआ है, ठीक है। वापस से छन्नी डाल दिया, फिर से बचा हुआ पोहा हमने इसमें ऐड कर दिया,
पोहा डालेंगे तो आप देखिए कितना झाग 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 नीचे के हिस्से में आ रहा है। छन्नी से करने का यही फायदा होता है कि आपको सब इकट्ठा नहीं करना पड़ता है, आप अच्छे से उसमें पकाइए, हिलाइए और बस लिफ्ट कर लीजिए, अपने आप छनने लगेगा और आप उसे फिर एक छन्नी में ड्रॉप कर दीजिए। ठीक है, देखिए ये मेरा हो रहा है, इसे मैंने अभी मीडियम आंच रखा है। ठीक है, तेल उबलता हुआ दिख रहा है मुझे, राइट, तो ठंडा नहीं हुआ है मेरा तेल। सो इसी वक्त हम चलते हैं अपना मसाले को रेडी करने। ठीक है, जो है हमारे पाउडर शुगर है और हल्दी है, बाकी सब ठीक है। अब मैं सारे मसालों को शुगर का जो मेरा कप है उसमें ऐड कर दे रही हूँ और मैं पागलों के जैसे इसमें ऐड कर रही हूँ क्योंकि मैं बाद में इसे बड़े कप में लेके विस्क करने वाली हूँ। मेरा दिमाग नहीं चल रहा था, मैंने छोटे में विस्क करने की कोशिश की तो नहीं हुआ। सो एनीवेज मैंने बड़े बोल में ले लिया और अच्छे से इसे विस्क कर दिया ताकि सारे मसाले इनकॉर्पोरेट हो जाएं और सारे मसालों का टेस्ट एक दूसरे में अच्छे से समा जाए। ठीक है, अब मैं आपको ये टिप और ट्रिक जो भी बोल सकते हो, जैसे आपने पहला लेयर छन्नी में डाला, ये बनाया हुआ मसाला जो है उसका थोड़ा सा हिस्सा आप उस पर स्प्रिंकल कर दीजिए। जैसे आप बिरयानी को लेयर करते हो बस वही करना है आपको। पहला लेयर जब आपने डाला तो थोड़ा मसाला आपने स्प्रिंकल कर दिया। ठीक है, अब जैसे ये दूसरा जाएगा फिर हम उसके ऊपर थोड़ा मसाला स्प्रिंकल करेंगे ताकि एक साथ बहुत सारा मसाला एक ही बार में ना चिपक जाए, क्योंकि तेल गर्म था, चिवड़ा गर्म है, तो हमें थोड़ा थोड़ा करके हमारा ये फ्लेवरफुल पाउडर आराम से डालना है। ठीक है, गर्म बहुत है, सो फिर भी मैं यहाँ पे ट्विस्ट एंड टर्न किया है थोड़ा। ठीक है, अब हम जो भी फ्राई करेंगे वो छन्नी में ही करेंगे। ठीक है, क्योंकि अब तेल बहुत गर्म है, हम अलग से डालने से छींटे आने के टेंशन हो सकते हैं। सो सारी चीज़ें आप ध्यान रखिए कि कप में या यू नो चम्मच में लेके आप इसमें डालें। सो मैंने सेंग को अच्छे से कुरकुरा लाल होने दिया एंड अब उसे चिवड़े में ऐड कर दिया। अब आते हैं दूसरी चीज़ पे। ठीक है, अब लेते हैं हम बादाम। उप्स, मैंने बादाम को शक्कर के कप में डाल दिया था। सो अच्छे से इसको पोंछ लिया। अब मैं इसे दूसरे कप में ऐड कर दूंगी ताकि डायरेक्ट डालने के चक्कर में मुझे छींटे लग सकते हैं, राइट, किसे पसंद है, मैं तो रोज़ जलती हूँ, मेरा रोज़ कटता है हाथ, बट आई लव कुकिंग। आप भी प्लीज़ कमेंट्स में बताइए कि क्या आपको भी कुकिंग पसंद है। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो शायद आपको ये वीडियो इंटरेस्टेड लग रहा हो, सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी प्लीज़ कर दीजिए। और देखिए कलर भी ऊपर उभर के आ रहा है, राइट। सो अब हम बस इसे टॉस एंड टर्न करेंगे। आपको मैं नीचे भी दिखाती हूँ कि नीचे बारीक बारीक फ्राइंग के टाइम पे जो पोहा टूटा होगा उसके कतरन और सौफ के छोटे छोटे भूरे निकले और कुछ नहीं निकला है, तेल बिल्कुल नहीं था, मेरा प्लेट एकदम साफ है। अब बादाम भी इसमें चले गए, बस इमेजिनेशन रन कीजिए, आपके हिसाब की चीज़ें डालिए और बिलीव मी आपको बाज़ारों से ये सब चीज़ लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि सब शुद्धता वाली चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं। आपको हाइजीन पता है, आपको ये पता है आपका तेल कितना अच्छा है, आपके इंग्रेडिएंट्स कितने अच्छे हैं, मिलावट है नहीं है, आपने धो के चीज़ें डाली है, साफ़ करके चीज़ें डाली है। सो ये एक अलग यू नो एक किक देता है आपको कि ओ वाओ ये तो स्टोबॉट से भी बेटर है और ये मैंने बनाया है। सो प्लीज़ ट्राई करके ज़रूर देखिए। और ये वाली पर्टिकुलर वीडियो जो मेरी है इसे स्किप किए बिना अगर आपने देखा होगा तो बिलीव मी आपके एकदम परफेक्ट बनेंगे, बिल्कुल परफेक्ट। इसलिए ये वाला ये जो पर्टिकुलर वीडियो है मैं इसे फास्ट फॉरवर्ड भी नहीं कर रही हूँ, मैं इसे स्लोली स्लोली आपको दिखा रही हूँ। आप चाहें तो ये सब जो पोर्शन है जब जैसे ये जब मैंने डाला है और निकाला है इसको आप स्किप कर लीजिए चाहे तो, जो आपको समझ में आ जाए, लेकिन बारीक बारीक जो डिटेल्स होती है ना वो पेशेंस लगता है, इसलिए आज मैंने ये वाला फॉरवर्ड नहीं किया है। ठीक है, अभी जैसे मैं ये सिंपल सी चीज़ है कि भाई मैं हाथों से डायरेक्ट क्यों नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि तेल इतने गर्म पॉइंट पे आ चुका है कि उसका एक भी कोई चीज़ छूटेगा तो मुझे ब्लिस्टर आ सकता है। ठीक है, और मेरा बेटा साथ में शूट कर रहा है, कैमरा पकड़ा हुआ है, सो मुझे नहीं चाहिए कि मैं तो जलती रहती हूँ, चलता है मुझे, पर उसे नहीं,
चोट आनी चाहिए, राइट। सो आई एम बीइंग वेरी केयरफुल, आप भी बहुत केयरफुल रहिए, क्योंकि तेल के साथ खेलना मजाक नहीं है। उसका एक ड्रॉप भी, चाहे वो छोटा ड्रॉप हो, लेकिन जलता और तकलीफ बहुत देता है। सो आप नहीं चाहेंगे, राइट, कि किसी को तकलीफ हो। सो आप भी केयरफुल रहिए, और आपकी कैमरा अगर कोई पकड़ रहा है तो उसका भी आप ध्यान दीजिए, ठीक है। अब हम ने बहुत अच्छे से सबको छान लिया है, तेल निकाल दिया है, अब बारी आती है दूसरी चीज़ों की। अब क्योंकि ये अभी डाला है तो थोड़ा सा हम इसमें मसाला भी ऐड कर लेते हैं। ये बिलीव मी, ये एक मैजिक पाउडर है, यू नो, बिलीव मी ऑन दिस। आप जब ये खाओगे, क्योंकि ऑनेस्टली ये जब शूट हो गया है, रेडी हो गया है, और मैंने इसे खा भी लिया है, ऑब्वियसली ख़त्म नहीं किया है, अभी ये दो दिन में ख़त्म हो जाएगा। ये इतना टेस्टी होता है कि ये आपको रियलाइज़ भी नहीं होता है, आप खाते रहते हो। मैं तो मेरे जिस डब्बे में डालती हूँ, मैं उसी में चम्मच रख के मैं खाती रहती हूँ। मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है, मेरे बेटे को, मेरे चाचा जी को, मैंने आज अपने चाचू और अपनी चाची जी के लिए भी लेके गई थी बनाकर, सो उन्हें भी बहुत पसंद आया। सो चलिए आगे का प्रोसेस हमारा, ये नारियल रह जाता है, इसे भी अच्छे से आप देखिए कितने अच्छे से ये फूल रहा है, और इसका जो अरोमा आ रहा है ना, बहुत ही फ्लेवरफुल है सच्ची में। ये सब बनाना एक, देखिए खाना तो हर कोई बना लेता है, बस डिफरेंट होता है, हर घर के तरीके डिफरेंट होते हैं। यहाँ पे बहुत ही कम लोग होंगे जो सीखने आते हैं, लेकिन बाद दफ़ा लोग ये होते हैं कि भाई ये अलग क्या कर रहा है, ये बंदा अगर मैं ऐसे बनाती तो मैं कैसे बनाती। सो इट इज़ ऑल अबाउट जस्ट यू नो सर्विंग, कि आप उनसे अलग क्या करते हो। हाँ, थोड़े परसेंटेज ऑफ पीपल हैं जो न्यूबीज हैं, जिनको बिल्कुल नहीं आता है, और मैं कोशिश करती हूँ कि उनके लिए आसान तरीके से बताना शुरू करूँ, एंड लेट्स सी मेरी वीडियोस काम आती हैं किसी की नहीं। क्योंकि अगर ये लोग देखें ना देखें, माय फैमिली नोज आई एम अ वेरी गुड कुक, तो मेरे लिए एक तरीके की एक मैं लाइब्रेरी सेट कर रही हूँ कि दुनिया में हर चीज़ गुम हो जाएगी, यूट्यूब रहेगा तो YouTube पे मेरी रेसिपीज़ रहेगी। सो हम रहें ना रहें, रेसिपीज़ तो हमारी हमेशा रहेगी। सो मेरी आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, मेरी बहुएँ हैं, मेरे पोते पोतियाँ जो भी होंगे, उनको अगर मेरे जब घर वाले सुनाएंगे कि भाई शी वॉज़ अ गुड कुक, तो ऑब्वियसली वीडियो से तो किसी को यकीन नहीं आएगा, खाना खाने के बाद यकीन आएगा, राइट। सो आई एम श्योर जिस तरह से मैंने एक्सप्लेन किया है, सभी लोग वैसे ही बनाए तो ज़रूर वैसा टेस्ट आएगा। तो ये गई हमारी हरी मिर्ची, कड़ी पत्ते, फिलहाल तो कड़ी पत्ता ही डाला है मैंने। हाँ, एक और टिप कि भाई आप ये जो हरी जो भी चीज़ें डाल रहे हैं, राइट, मिर्ची, कड़ी पत्ता, ध्यान ये रखना है कि ये पूरी तरह क्रिस्पी होनी चाहिए, जलनी नहीं चाहिए, क्रिस्पी होनी चाहिए। आप चाहे तो आँच स्लो कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि अगर कच्चा बन वाला रहा तो उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर रह जाएगा, और वो मॉइस्चर आपका पूरा का पूरा चिवड़ा खराब कर देगा। सो नोट करके रखिए बात को। जैसे मुझे हल्की सी हरी हरीपन दिख रही है, तो मैंने वापस से इसे तेल में डाला है ताकि ये फिर से थोड़ा और पक जाए, क्योंकि थोड़ा भी अगर कच्चापन रहा उसके अंदर का मॉइस्चर बिगाड़ देगा। क्यों इतनी मेहनत बिगाड़नी, इतने सारे इंग्रेडिएंट्स गए हैं भाई, थोड़ा तो वो रखना, तरस खाना इस बेचारे चिवड़े पे। सो ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और तीखी वाली अगर आप बारीक काट काट कर डालेंगे ना, बिलीव मी, वो भी बीच बीच में हल्का सा तीखा। मैंने देखिए इसमें लाल मिर्च पाउडर नहीं डाला है, बहुत लोग लाल मिर्च भी डालते हैं, मैंने नहीं डाला है, क्योंकि हरी मिर्च भी अपना एक टेस्ट है, किशमिश बीच में आएगी, काजू बीच में आएगा, यू नो ऑल दैट फ्लेवर जो बर्स्ट होंगे, माई गुडनेस मैं नहीं बता सकती। ये सिंपल सी चीज़ है, आप जाके एक पैकेट ऑफ चिवड़ा खरीद के आप खा के ख़त्म कर सकते हो स्टोरी, बट खुद से बनाया हुआ ये एक कोई प्रोजेक्ट से कम नहीं है। और जैसे स्कूलों में यू नो प्रोजेक्ट्स पे मार्क्स मिलते थे आपके अच्छे कामों के लिए, बिलीव मी आपके घर वाले इसके लिए तो आपको 100 में से 100 देंगे, मेरी गारंटी है। सो प्लीज़ ज़रा कोशिश कीजिए और लुभाइए अपने घर वालों को। सो बहुत बातें हो गई भाई आज के लिए, सो ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, ओके, एंड आई विल सी यू अगेन टुमारो विद अ न्यू रेसिपी। सो टेक केयर, बाय बाय।